नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का है जब दोनों अपनी ही शादी में बेहोश हो गए। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत छोटी सी उम्र से की थी। नीतू सिंह ने साल 1966 में फिल्म सूरज से बाल कलाकार के तौर पर काम किया और अपने पिता और अभिनेता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाया। मगर ऐसा क्या हुआ था कि फिल्मों में खलनायक की धुलाई करने वाले ऋषि कपूर अपनी ही शादी में बेहोश हो गए? आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको इसी किस्से से रूबरू कराएंगे। ये साल 1973 की बात है जब बतौर अभिनेता ऋषि कपूर ने फिल्म बॉबी से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद साल 1974 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने एक साथ फिल्म जहरीला इंसान में काम किया। ऋषि कपूर नीतू सिंह को सेट पर काफी छेड़ा करते थे जिससे नीतू बेहद परेशान हुआ करती थी और यही नोकझोंक धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कुछ ही सालों में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने बॉलीवुड की एक मशहूर जोड़ी के तौर पर खुद को पेश कर दिया। 70 के दशक में लोगों के दिलों पर छा गई ये जोड़ी और आलम यह था कि दर्शकों द्वारा पसंद की गई इस जोड़ी ने करीब 12 फिल्मों में एक साथ काम किया। ऋषि कपूर तो फिल्मों में आने के बाद ही लड़कियों के दिलों पर राज करने लगे थे। इन दोनों के बीच में रोमांस की चर्चा साल 1974-75 में सामने आई थी। फिल्म खेल खेल में की रिलीज के बाद से ही दोनों के प्यार की चर्चा और तेज हो गई। इसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये चर्चा होने लगी कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह बहुत ही जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और ऐसे में इन चर्चाओं के चलते ये खबर कपूर खानदान तक भी पहुंची और इस दौरान अभिनेता और ऋषि कपूर के पिता राज कपूर ने ऋषि से कह दिया कि अगर वो नीतू सिंह से प्यार करते हैं तो शादी कर लें। और इसके बाद फिर 23 जनवरी साल 1980 बुधवार का दिन था, शादी हुई। और इस शादी का एक मजेदार किस्सा यह है जिसमें नीतू सिंह और ऋषि कपूर दोनों बेहोश हो गए थे। दरअसल हुआ यह कि दुल्हन के रूप में सजी नीतू सिंह अपने भारी लहंगे को संभालने की वजह से बेहोश हो गई थी, तो वहीं ऋषि कपूर अपने आसपास इतनी भीड़ देखकर बेहोश हो गए। घोड़ी चढ़ने से पहले ही ऋषि कपूर को लगातार चक्कर आ रहे थे। आपको बता दें कि इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री के अलावा कई क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग शामिल हुए थे और उस दौर में इनकी शादी को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे भव्य शादियों में शुमार किया जाता था। तो इस पॉडकास्ट में ये किस्सा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का जिसमें वो बेहोश हो गए थे। कोई और किस्सा आप सुनना चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको अगले पॉडकास्ट में उस किस्से को ज़रूर सुनाएंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।